वैसे रसोई में भी कोई ये ना कहतो कि वोट की खा दियो कि की खाना दियो, उससे चुनाव में कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इनने ये चुनावी मुद्दा बना करके उन्होंने ये बंद कर दिया है रसोई को। बच्चे आए हैं और स्कूल वाले भी हैं, कॉलेज वाले भी हैं जो दूर दूर से यहाँ पे रहते हैं, रिक्शे वाले हैं जो एक टाइम का यहाँ पे खाने के लिए निर्भर थे कि हम यहाँ पे एक टाइम का हमें खाना मिल जाएगा, भरपेट भोजन मिल जाएगा, पर आज उनके किसी लालच की वजह से आज यहाँ पे ये बंद हो गई है और ललिता जी ने रसोई बंद करवा दी है। ये बहुत गलत किया है ये भैया। और राम राम नमस्कार, हमें बुंदेली बोछार से भरत त्रिपाठी और हम इस समय छतरपुर में और हम आए हैं तो चाचा की रसोई में। ये देखो जा रहा हूँ कि लिखो है कि रसोई अस्थायी रूप से जब बंद कर दी गई, कौन वजह से बंद कर दी गई, ये तो लोग बाग आए हैं रसोई में खाना खाए के लाने, इनसे पूछे कहाँ है भैया। भैया हमारा नाम बाबू है। भैया हम डेली आते हैं यहाँ पे, हम हैं बाकी लोग हैं डेली आते थे यहाँ पे खाना खाने के लिए, लेकिन आज यहाँ पे आए हैं तो पता चला है कि रसोई बंद करवा दी गई है। अब ये रसोई बंद करवा दी है, हमारे प्यारे जो ललिता जी हैं यहाँ की बीजेपी की पार्षद रह चुकी हैं पिछले, उन्हें गरीबों का सुख देखा नहीं गया। पिछले 2-2.5 साल से रसोई चल रही थी, लेकिन किसी चुनाव के प्रति चलते हुए लोगों को अच्छाई, खुद तो अच्छा कर नहीं पा रहे हैं गरीबों के लिए, कोई कर रहा है तो उन्हें करने नहीं दे रहे हैं। ये कोई अभी 2-4 महीने की चलती हुई रसोई तो थी नहीं, ये पिछले 2-2.5 साल से रसोई चल रही है। 2-2.5 साल से डेली यहाँ पे लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन आज यहाँ पे ये हुआ है कि ये रसोई बंद करवा दी गई है और बेचारे जो आज यहाँ पे लोग आए हैं, मजदूर आए हैं, बच्चे आए हैं और स्कूल वाले भी हैं, कॉलेज वाले भी हैं जो दूर दूर से यहाँ पे रहते हैं, रिक्शे वाले हैं जो एक टाइम का यहाँ पे खाने के लिए निर्भर थे कि हम यहाँ पे एक टाइम का हमें खाना मिल जाएगा, भरपेट भोजन मिल जाएगा, पर आज उनके किसी लालच की वजह से आज यहाँ पे ये बंद हो गई है और ललिता जी ने रसोई बंद करवा दी है। ये बहुत गलत किया है ये। अगर वो चुनावी द्वेष भावना के कारण ये वही है, उन्हें डर सता रहा है कि अच्छे काम चाचा जी हमारे कर रहे हैं और उनसे होते नहीं है ये अच्छे काम, तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि इनको पूरा का पूरा इनका बस बंद करवा दिया जाए, कैसे ना कैसे करके बंद हो जाए। वो जलन खोर हो रही है उन पर, इस वजह से उनकी चीज़ें ये हो रही है ज़्यादा ज़्यादा। अभी शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि जलती हुई योजना रोकी नहीं जा सकती, तो हमारी ये रसोई जो 2-2.5 साल से चल रही है तो इसको क्यों बंद करवा दिया गया? हम तो जवाब चाहते हैं उनसे कि इसको क्यों बंद करवाया गया। राम प्रताप पाल, कहाँ आए आज? खाना खाने आए थे। कहाँ पे? चाचा की रसोई। कहाँ है खाना ना मिल लो कि बंद है? बंद है। काहे बंद होगी? अबे ये ललिता यादव जी ने बंद करवा दई सो बंद होगा। काहे खाना सस्तो मिले तो बढ़िया रहता। 1 रुपया में भरपेट रोज को। हाँ हम तो रोज आउत रहे। 2.5 साल से करीब करीब ये चल रही थी रसोई, और वैसे रसोई में भी कोई ये ना कहतो कि वोट की खा दियो की खाना दियो, उससे चुनाव में कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इनने ये चुनावी मुद्दा बना करके उन्होंने ये बंद कर दिया है रसोई को। जी दीपेंद्र लोधी। कहाँ आए? चाचा की रसोई खाना बंद हो करवा दी गई है बीजेपी ने, शिकायतें करके बंद करवा दी गई। आचार से कब से खा रहे थे खाना? लगभग 2 महीना हो गए। बढ़िया खाना, 1 नंबर, डेली दिन बल्द बल्द कर। दिक्कत तो सामना तो करना ही पड़ेगा, दोपहर में बनाना पड़ेगा। कहीं पढ़ते थे, यही रूम था, दोपहर में आ जाते थे, खाना खा जाते थे। क्या हुआ? पवन बिंदु का नाम। हाँ हम चाचा की रसोई में आए थे, इतने तो बंद हो गई, ललिता यादव जी ने करवा दी। रसोई तो चल रही 2-2.5 साल से, मगर बंद हो गई, करवा दी जैसी। क्यों करवा दी? क्योंकि सोच है, मगर कुल आदमी दुखी है इस चीज से। हाँ अब खाना नहीं मिल रहा, गरीब आदमी ना, न अस्पताल के आदमी ना मिल रहा, न रिक्शा वाला ना मिल रहा। जो बहुत से आदमी खाना खाते, 2-2.5 हजार आदमी खाना खाते थे, मगर अब कुछ नहीं मिल रहा, परेशान है आदमी। कहाँ आए आज? चाचा की रसोई में खाना खाने के लिए। खाना ना मिल लो? नहीं मिल रहा है, पर ये बंद हो गई है। कितने बंद करा दी? काहे बंद हो गई? ये मुझे पता नहीं है। हाँ। समाज सेवा की राकेश गुप्ता।
तुम्हारे गुप्ता जी कहां आए यार? दुख तो सबई का होई रही आए थे भगवान जाने भी जाने हमें नहीं है पता जो बीमार जब व्यवस्था क्या चले कौन ही करता क्या नाम है दादा राम 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 भैया हमारा नाम राजेश वर्मा है वर्मा जी कहाँ आए हो आज यही भोजन प्रसादी पाने आए थे हाँ, मिला है भोजन वोजन नहीं मिला कह रहे जान आचार संहिता के कारण बंद कर दी गई है हाँ। ये तो पोस्टर में लोगों के भाजपा प्रत्याशी के द्वारा शिकायतें करेंगे रसोई बंद करा देंगे अब ये तो राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है इसको हम नहीं समझते इस बात को आचार संहिता के नियम के अंतर्गत जो होगा तो सभी के लिए बराबरी होगा कोई भी राजनीतिक पार्टी इसके अंतर्गत नहीं आ सकती है तो सभी की राजनीतिक पार्टी तो किसी एक की होती नहीं है तो सभी के लिए बराबर है तो देखो हमने आपका देखा हुआ था चाचा की रसोई में सुबह से भारी भरकम जब पूरी भीड़ लगी है और तो पोस्टर भी लगा हुआ है लिखो हुए गए हमें खेद है दुख है कि भाजपा प्रत्याशी के द्वारा लगातार शिकायतें करी जा रही थी और इस कारण रसोई बंद करा दी गई। अब जो छतरपुर के विधायक कांग्रेस पार्टी के और प्रत्याशी हैं पज्जन चतुर्वेदी ने जो आरोप लगा हुआ है कि भाजपा प्रत्याशी ललिता यादव के ऊपर अभी आरोप में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है जो तो आगे वालों वक्त तय करे। भरत त्रिपाठी बुंदेली बोछार छतरपुर। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।